गहलोत आज आपूर रोड आएंगे, आप दोपहर करीब 3 बजे वो हेलीकॉप्टर से मानपुर की हवाई पट्टी पर उतरेंगे, जहां वो जो प्रभावित है तूफान के प्रभावित है उनसे मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही लोगों से भी मिलेंगे। इसके चलते आज मानपुर हवाई पट्टी पर हम खड़े हैं, जहाँ प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा बताएं कि देखें कि जो हवाई पट्टी है मानपुर हवाई पट्टी, यहाँ पर लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लगातार जो है कार्मिक जुटे हुए हैं, शामियाने लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वहाँ तूफान प्रभावितों से मिलेंगे, लोगों से सुनेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। वहीं तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भगवती प्रसाद वो जो SP है वो लगातार तैयार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं एडिशनल SP राजेंद्र दिवाकर हैं, CO है, SDM गोविंद सिंह भीचर है, लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, हेलीपैड पर खड़े हुए हैं, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है वो करीब 3 बजे यहाँ पहुँचेंगे, जिसके चलते वो यहाँ जो प्रभावित है तूफान प्रभावित उनसे मिलेंगे। ऐसी भी जानकारी मिल रही कि उनके जो 32 बांध नाला है वहाँ पर भी बांध है, वहाँ पर भी जाने की संभावना है, जहाँ जो डूब क्षेत्र के अंदर आने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, डूब गई थी, जिसके चलते 8 गाँव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि वो संभवतः वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। SDM हुए, SP हुए, कलेक्टर हुए, सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनोज चौरसिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, आबू रोड।